नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी बावराज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और दोस्तों, आज जानेंगे सरसों पर पूरी रिपोर्ट। तो सरसों के दाम क्यों गिरे हैं और आने वाले दिनों में सरसों के भाव में क्या दोबारा से तेज़ी देखने को मिलेगी दोस्तों, तो इस पर एक पूरी रिपोर्ट है। विदेशी बाज़ारों में जो खाद्य तेल में मजबूती के संकेतों से स्थानीय तेल तिलन बाज़ार में मंगलवार को सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, बिनोना, सीपी और पामोलिव तेल कीमतों के भाव लाभ दर्शाते हुए दिखे हैं। तो भारत में खाद्य तेलों पर आयात शुल्क कम किए जाने की अटकलें गर्म होने से विदेशों में तेजी का रुख कायम हो गया है। जहां मलेशिया एक्सचेंज 6% मजबूत हुआ है, वहीं शिकांगो एक्सचेंज में लगभग 1.5% का सुधार देखा गया है। इसका सीधा असर स्थानीय कारोबार पर हुआ है और लगभग तेल तिलनों के भाव सुधार दर्शाते बंद हुए हैं। खाद्य नियामक FSSAI देश में हर स्थान पर सरसों में मिलावट की जांच के लिए खुदरा दुकानों और मॉल से तेल के नमूने ले रहा है। यहां तक कि पुराने पे हुए टीन में भी नमूने एकत्रित किए जा रहे हैं। FSSAI का एक कदम सरसों में मिलावट को रोकने की हिदायत को सख्ती से लागू करने तथा उपभोक्ताओं को गैर मिलावटी तेल सुनिश्चित करने के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सरसों नहीं बेच रहे हैं किसान बिक्री के लिए कम भाव पर सरसों को बाज़ार में नहीं ला रहे हैं। तो राजस्थान के भरतपुर में सरसों की लगभग 6000 बोरी की दैनिक आवक थी, जो घटकर के 2000 बोरी रह गई है। कहा कि सरसों के भाव 300 से 400 रुपये टूटने से देश में हर जगह मंडियों में सरसों की कम आवक है। इसी के साथ ही आयात शुल्क मूल्य में कमी किए जाने की संभावना को देखते हुए भी तेल तिलन कीमतों में सुधार को बल मिला है। तो किसी भी साधारण तेल का सरसों तेल के साथ मिश्रण किए जाने पर कानूनी रोक लगा दी गई है। तो सरसों में मिलावट के लिए ज़्यादातर सोयाबीन डिगम और चावल भूसी तेल का इस्तेमाल होता है। मिलावट पर रोक और मांग होने के कारण सरसों तेल तिलन कीमतों में सुधार आया है। तो सरसों दाना में 25 रुपये और सरसों दादरी में 100 रुपये तथा सरसों पक्की और कच्ची गाड़ी में 15-15 रुपये प्रति टीन का सुधार आया है। व्यापारियों और तेल मिलों के पास सरसों का स्टॉक नहीं है। सरकारी संस्था नापेड़ और आपेड़ के पास भी सरसों का कोई स्टॉक नहीं है दोस्तों। तो नापेड़ और आपेड़ के पास भी कोई स्टॉक नहीं है और व्यापारियों के पास भी स्टॉक नहीं है। जितना भी सरसों बचा है सब किसानों के पास है। तो दोस्तों, अभी जो पाला है वो किसानों के हाथ में है और किसानों के द्वारा ही सरसों के भाव में तेजी मंदी सब किसानों के ऊपर अभी वर्तमान समय में निर्भर है। तो सरसों के भाव में आपको इस पखवाड़े में पूरे मंदी लगभग देखने को मिली है दोस्तों। तो आने वाले दिनों में फिर से एक बार और तेज़ी के संकेत मिले हैं तो सरसों में फिर से तेज़ी हो सकती है, क्योंकि मंडियों में आवकें सरसों की जैसे ही भाव डाउन हुए हैं और कम हो चुकी हैं और मिल मालिकों को सरसों की आवश्यकता है तो वह उच्च नीलामी पर सरसों को खरीदेंगे। तो दोस्तों, जो आज की मंडी में देखने को मिला है तो 25 से 50 रुपये की तेज़ी सरसों में फिर से एक बार और देखने को मिली है। इसके साथ ही बाज़ार में थोक भाव क्या रहा है, तो सरसों तिलन 7025 से 7075 42% कंडीशन का भाव है और सरसों तेल दादरी 14,100 रुपये प्रति क्विंटल है और सरसों पक्की गाड़ी 2,270 रुपये से 2,320 रुपये प्रति टीन है। सरसों कच्ची गाड़ी का तेल है वो 2,370 से 2,470 रुपये प्रति टीन है। तो दोस्तों, सरसों के भाव में फिर से आपको एक बार और तेज़ी अच्छी खासी देखने को मिल सकती है, क्योंकि पाला अभी सभी किसानों के हाथ में, किसानों के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई सरसों के भाव में कितनी और तेज़ी है। अगर किसान धीरे धीरे अपना माल निकालते हैं, कम कम रोटेशन में निकालते हैं और मंडियों में आवके नहीं बढ़ाते हैं तो सरसों के भाव में एक बार और आपको ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो अभी नहीं तो नापेड़ के पास स्टॉक है सरसों का, नहीं व्यापारियों के पास ज़्यादा स्टॉक है। पहले जितना सरसों था उसका सभी मिल मालिकों ने खरीद लिया है और वहाँ से सरसों के तेल की अच्छी आमदनी हो रही है, उच्च भाव पर बिक रहा है, जिसके कारण सरसों के भाव में एक बार और आपको तेज़ी देखने को मिलेगी दोस्तों। तो ये थी सरसों के ऊपर आज की पूरी रिपोर्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।